चले अभी हम आ गए हैं बाहर और जा रहे हैं, इसको निकालते हैं और जब तक हमारा पानी बॉयल होता है। क्या कर रहे हो? हिसाब किताब, पैसों का हिसाब किताब। चल इंस्ट्रक्शन पढ़ाऊं कैसे बनाने का। अभी मैं बनाने लगी हूँ बसबूसा, और यहाँ पर बसबूसा ऑयल डालने के बाद यहाँ पर है मेरे पास। आज उठते ही पहला मेरा ये काम है कि मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अदरक वाली चाय मंगवाई है मैंने आज अपने लिए। आज ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने किसी फेवरेट कप में चाय पीऊँ। वैसे तो सारे ही मेरे पसंद के ही कलर थे, जो जब भी मैं जाती हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है, कलर प्यारा लगता है, तो वो मैं लेकर आती हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। ये देखिए ये सारे हैं यहाँ पर। लास्ट टाइम एक मैंने कप लिया था, कप नहीं सॉरी मग लिया था, वो अभी तक मैंने यूज नहीं किया और वो मुझे यहाँ से नजर भी नहीं आ रहा कि वो है कहाँ पे। हाँ जी ये देखें, ये मैंने यूज नहीं किया। अच्छा ये वाला मग मुझे इतना पसंद आया था, ओ सॉरी मैंने इसको पकड़ा भी उल्टा हुआ है। ये देखें इतना मुझे पसंद आया था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, अजीब कोई कमाल ही हो गया है कि ये मेरा मग आया है और मैंने इसमें अभी तक कोई चाय नहीं पी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा ना तो इसलिए दिल नहीं करता। काफी टाइम से मैं चाय छोड़ चुकी हूँ, बस कभी पुदीने वाली चाय बना के पी लेती हूँ। तो चले इसको निकालते हैं और जब तक हमारा पानी बॉयल होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हम सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन के साथ अपने व्लॉग का करते हैं आगाज़। और यहाँ पर देखिए मेरी चाय बनके तैयार है, बस जाके बैठ के सुकून से चाय पीती हूँ। इस रूम में कोई नहीं तो मैंने सोचा यहीं पर जाकर बैठ जाती हूँ, चाय पी लेती हूँ और आप सबसे बात भी कर लेती हूँ। आप सब सुनाए क्या हाल चाल है आप सबके, क्या चल रहा है, ईद कैसी गुजरी है, गर्मी कैसी है। गर्मी सच में बहुत है। हज पे जो हाल है वो भी आप सबने सुना होगा कि काफी सारे लोगों की डेथ हो गई है वहाँ पर। तकरीबन 1000 हाजी, 1000 से भी ज्यादा लोग बता रहे हैं, और ज्यादातर वो जो लोग थे वो एजेड थे। गर्मी की वजह से हुई है क्योंकि तकरीबन 50-51 जो है ना यही टेम्परेचर जा रहा है। बस अल्लाह पाक मफ़रत फरमाए, उन्होंने तो खैर जन्नत कमा ली है। बस जल्दी से पीते हैं चाय और मुझे जरूर बताएगा कि आप सबने ईद कैसे गुजारी है। रख दो नीचे, रख दो और खेलो। शाबाश गुड गर्ल। मलाक नहा के फ्रेश हो गई है, तो अभी मलाक को मैंने दे दिए ब्लॉक्स और ये बैठ के यहाँ पर मजे से सुकून से खेलेगी। बस पहले पहले यही काम करना है, खाली करके एक साइड पे उसको फेंक देना है बाल्टी। सबके साथ खेल लोगे अभी आप? जल्दी से मम्मा को एक गाड़ी बना के दो। मोना अभी इसके साथ बैठ के खेल रही है तो उसे और भी ज्यादा मजा आ रहा है। ये बुला रही है, वो चली गई, कह रही आ जाओ आके खेलो मेरे साथ। आ जाओ मोना, आ जाओ बैठो खेलो, कह रही आ जा, चली गई। मुस्तफ़ा तैयार हो गए हैं और मैंने इसे कहा कि खाना खा कर जाओ। हाँ जी यहाँ पर है आपका खाना, आ जाओ। मैंने स्पेशली मम्मा को ऑर्डर दिया था कि मलाक के लिए छोटी रोटी और अंडा बना रहे हैं, आपका नाश्ता आ गया। ये पकड़ो पानी आप। और आज मुस्तफ़ा इतना एक्साइटेड है कि बस इसने खाना भी नहीं खाना और इसने जाना है अपने दोस्तों के पास। इसके दोस्त जा रहे हैं जद्दा, वहीं पर वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो बस उनके साथ ये क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। और अभी मैं इसे जबरदस्ती मैंने इसके लिए खाना बनाया कि खाना खा कर जाओ, वहाँ पर जाकर क्रिकेट खेलोगे, आपको भूख लगेगी। और मलाकों के लिए भी बना दिया रोटी मम्मा ने। मलाक ये है आपकी रोटी, ये आपका एग है और ये मेरी मलाकों की रोटी है। मम्मा खिलाएं भी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे खाते हैं मेरा बच्चा। चलना है हमारे साथ, चलो चलो चलें। अभी हम आ गए हैं बाहर और जा रहे हैं, इसको भी छोड़ना है और मोना और तमन्ना को भी छोड़ने के लिए जा रही हूँ। कल ये गया था एकेडमी। अच्छा इसका एकेडमी का मैंने इस तरीके से करवाया क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, एक दिन ये जाएगा और एक दिन नहीं जाएगा। कल गया था ये और आज फिर जा रहा है। तो थोड़ी गर्मियाँ खत्म होंगी ना, हाँ, तो मम्मा वो जो एक दिन मेरा मिस हो रहा है ना फुटबॉल में, वो भी करवा, वो स्विमिंग करवाएंगी। नहीं मैं कहती हूँ वो फुटबॉल नहीं सही है, नहीं ना दो चीजें हो जाएंगी स्विमिंग का। चले देखेंगे फिर। किस खुशी में? तो बस आज आखिरी दिन है ना तो पार्टी कर लेंगे। सिक्स ईयर में पार्टी होती है? हाँ। ये पकड़ो।
चले अभी बच्चों को छोड़ दिया है और जल्दी जल्दी से घर जाते हैं, क्योंकि मलाक बहुत रो रही थी। उसको रोते रोते हम घर पे छोड़ कर आए हैं, बहुत तंग करते, फिर ये आगे आ जाती। अगर वापसी पे मेरे साथ कोई हो तो फिर मैं उसे ले लेती हूँ, लेकिन जब वापसी पे मेरे साथ कोई होता नहीं है तो फिर मुझे लेना नहीं पड़ता, क्योंकि ये आगे आ जाती है और कहती है मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है। और फिर आप सबको तो पता है कि अभी हम कच्चे ड्राइवर हैं, अभी हम पक्के पक्के ड्राइवर नहीं बने। बनकर हमारा तैयार हो गया है और आज खाने में मैंने बनाई है, हम इसे बोलते हैं हर दाल, और बाकी मुझे पता नहीं कि आप सब क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत मजे का बनता है। बस यहाँ पर खाना हो गया हमारा रेडी, हरा धनिया मैंने डाल दिया है। मलाक अभी सो गई है और ये देखिए मेरे रूम की ये हालत हुई पड़ी, ये सारी मलाक ने की है। तो अभी मैं ये साफ करने के लिए जिस जगह पर भी खेलती है उस जगह का ये हाल कर देती है हमारी मलाक को। और वैसे भी ईद के बाद हमें घर की डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है, तो जल्दी जल्दी से अपना काम करते हैं शुरू, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं। ये क्या किया आपने? ये क्या किया आप? ये क्या हुआ मला? क्या किया आपने? मम्मा तो आपको सुना के आई थी ना, मम्मा ने क्या कहा था कि आप सो जाओ, मम्मा अपने काम कर ले, और ये आप आके आपने क्या किया? हाँ क्या किया मेरी गंदी मला को ने? डालो इसमें डालो, शाबाश चलो डालो। काम नहीं करने देना आपने मम्मा को। कैसे बना के आई है, लेकिन ये मुझे पीना पड़ेगा, क्योंकि ये मेहनत से बना के नहीं। हाँ। पहले चीनी डाली, पानी डाला, फिर लेमन डाला, फिर शरबत डाला, फिर मिक्स कर दिया, बस इजी लेमन्स को इजी। सही है, लेकिन जामे श्री ज्यादा डाल दिया आपने। अच्छा है ना, ज्यादा डालिए ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रूम साफ हो गए, काफ़ी टाइम लग गया है क्योंकि मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी, इससे पहले भी मैंने नहीं की थी, इस रूम की बिल्कुल भी मैंने नहीं की। उसकी फिर भी हाँ जी क्या हुआ मम्मा? मम्मा तो इसलिए नहीं कर पाई और बहुत नहीं करने दे रही, और अब इसने मम्मा बोलना सीख लिया, सारा दिन पूरे घर में ना मम्मा मम्मा की आवाज़ होती है बस। मम्मा इस कमरे को खैर साफ कर लिया, बाकी अभी करना है, एक दो और रूम रह गए मेरे वो, लेकिन ये है कि आज ये मैंने डन करना है क्योंकि कल हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। बस अभी लास्ट में रह गए ये, इसको जल्दी से लगाते हैं और बस फिर, और ये मलाकों के काम चक्कर इसने फिर से फैला दिया सब कुछ। ये चाहिए आपको? नहीं मैंने ये नहीं देना, पहले मम्मा बोल के दिखाओ। मैं जा रही हूँ मलाक, ये लो। इसने अपने टॉयज को लगाना है। सारे साफ हो गए, सारे सब में खुशबू आ गई, बस अब बस लग गया। हाँ बस अब दे दो मम्मा को, बस हो गया लग गया, नहीं देना। अभी बन रही है शाम की चाय चाचू के लिए। चलें चाय बन गई है और अभी मैं जा रही हूँ चाचू को चाय देने, और साथ में मैंने कुछ बिस्किट भी रख दिए। और ये रही मेरी चाय, देखिए मैंने कितनी चाय ली है। बस मुझे थोड़ी सी थकावट फील हो रही थी, मैंने कहा बस थोड़ी सी चाय मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ, पी लेती हूँ। वैसे काफ़ी दिन हो गए सच में मैं चाय को बहुत मिस कर रही थी। आज भी मैंने आप सबको बताया ना स्टार्टिंग में कि मैं चाय नहीं पी रही, तो मैंने अदरक वाली चाय पी, लेकिन अभी जब काम करते करते मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, हालाँकि गर्मी है लेकिन सोचा कोई बात नहीं चलेगा। अगर आपके घर में वाइट पेंट है ना तो उसको संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है सच में, और खास तौर पर दरवाजे भी जब वाइट होते हैं, स्पेशली जो हैंडल वाली जगह होती है, ये देखें करीब से कि धब्बे पड़े हुए हैं। तो तकरीबन हर हफ्ते ये साफ होते ही रहते हैं दरवाजे भी और दीवारें। दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, ये बच्चों वाला कमरा है, ये देखें ये बच्चों वाले कमरे में यहाँ पर ये मलाक ने सारी लिपस्टिक लगा दी है, तो मैंने कहा इसको मैं साफ कर लूँ।
क्योंकि एक तो मेरे घर पे ब्लीच खत्म हुई पड़ी थी नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको साफ नहीं कर पाई। और जब तक यहाँ पर ब्लीच नहीं लगाएं ये लिपस्टिक के निशान जाते ही नहीं। तो लगा के यहाँ पर थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं हम, फिर उसके बाद में साफ करती हूँ। दोबारा से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, लगा के इसको थोड़ी देर अभी छोड़ देती हूँ। हाय, क्या चल रहा है? मोना और तमन्ना जैसे हैं, मैंने इन्हें कहा है कि पहले पहले आकर अपनी कबर्ड साफ करो, जो जो चीजें निकली हुई थी सारी बाहर, मैंने कहा सारी अपनी सेट करके रखो। यहाँ पर तमन्ना ने अपनी चीजें सारी निकाली हुई हैं और वहाँ पर मोना के साथ देखें बैग भी पड़ा है और उसने अपनी चीजें भी रखी हुई हैं। तमन्ना की इतनी सारी चीजें हैं और मोना की काम में। इसके अलावा तमन्ना वहाँ पे स्टैंड पे भी कपड़े हैं, वो भी आपने सेट करने हैं। वहाँ पर भी कपड़े हैं, वो भी इन्होंने सेट करके रखने हैं। इसने मेरे ख्याल में बैग में कुछ रखी है चीजें तुमने? हाँ, मैंने ये मैं कहती लपेट के अंदर रखी। क्या होता है कि चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती है ना, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहती रहती हूँ, बार बार रिपीट करते रहते हैं, जल्दी करो, ये करो वो करो, फिर जाके ये सुनते हैं कि हाँ ठीक है हमने ये करना है। और ये भी मैं कब से इनको कह रही थी, मैं कल से कह रही थी, मैंने कहा आपने करना है, हाँ कर लेंगे मम्मा, हाँ फ्री होके कर लेंगे। फिर आज जैसे ये नहीं आई है तो मैंने कहा पहले ना आप दोनों ने ये काम करना है। मलाक सो गई है, नहीं तो ये जो सफाई हो रही है ना यहाँ पर, ये डबल हो जाता काम, डबल से ट्रिपल हो जाता है अगर मलाक जाग रही होती अभी। तो उसे जो चीज बस उसे चाहिए ना, समझो उसे दे दो। तो चलो अपना काम कर रहे, आप क्या कर रहे हो? आप हिसाब किताब, पैसों का हिसाब किताब चलता है? क्या हिसाब किताब है? इसने मुझे 50 रियाल दे, अच्छा 50 में से इसने मुझसे 20 ले हुए थे, जैसे कहा था जब मेरे पास वापस आएंगे मैं दूंगा, लेकिन अभी इसने मुझे याद भी नहीं दिलवाए। मैंने खुद का मेरे 20 हैं, कहता है अच्छा 20 देता हूँ, 20 के साथ वाटर बैलून दो, स्नो स्प्रे दो, फिर सच है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हो? नहीं, ये देखे जब हम लोग उधर गए थे ना टीचर के साथ अलब्रा की जगह पे, वहाँ पर टोटल मेरा बिल बना था 16 रियाल, अब 4 रियाल बचते हैं। इसने 4 रियाल का भी हिसाब होता है? नहीं, इसने बर्गर खा लिया, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। काम देखे इनकी चीजें जो चल रही हैं। अगर मैं इसके गिनू ना इतने होंगे हर वक्त मुझसे, उसके अलावा बहुत ले, जहाँ भी हम जाएंगे ना मुझे कहेगा थोड़ी दे दो, थोड़ी से दे दो, और जब इसका टाइम बहने हमेशा सेक्रीफाइस करती है, भाई नहीं करते। हाँ, बहुत कम भाई होते हैं जो करते हैं, वरना नहीं करते। ऐसे क्यों देख रहे हो मम्मा को? मम्मा आपकी साइड नहीं ले रही। ये क्या हो रहा है, दिखाओ क्या चीज है ये? ये वही नूडल है। तो आप इसको पकड़ के क्यों बैठे हुआ? मैं इसके पीछे इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूँ कैसे बनानी है। अच्छा, वो तमन्ना आप ही को बोलो आपको बना के देगी। जब रुबीना खान ने खाई थी ना, ये वही है? हाँ, और आप ही ने तो ये तो स्पाइसी होंगी ना? हाँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। अच्छा, मैंने आप ही को हराया, मैं पूछ ली, चाचू को भी हराया था, ब्लॉग देखे हुआ। चले मुस्तफा तो अभी कह रहा है कि मैं प्रोफेशनल हूँ। स्पाइसी खाना है इसने। मैं अभी जा रही हूँ मोना को छोड़ने के लिए, मोना के लैपटॉप की सेटिंग करवानी है टीचर से, क्योंकि कुछ दिनों तक, शायद 3-4 दिनों तक इनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं की थी, एग्जाम के बाद इन्होंने स्टार्ट नहीं की थी, बस टीचर के पास ही जा रहे थे, पढ़ रहे थे ऐसे बस। चले अब इधर आपके कैमरे में भी इधर इसमें दिख रहा है इसके मिरर में इधर बीच में इस साइड पे। अभी मैं सोच रही हूँ कि मोना को मैं छोड़ आऊंगी वहीं पर, हस्बैंड कुछ देर तक आ जाएंगे वो, तो उनको कह दूंगी, वो जैसे आएंगे तो मोना को पिक करके आएंगे। क्या हुआ? चांद बादलों में बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हम पहुंच गए अभी और मोना को मैंने छोड़ दिया। मोना को मैं ये कह रही हूँ कि आप जाओ, आपके पापा आपको पिक कर लेंगे। दरअसल गलती इनकी ये भी है कि जैसे आज ये पढ़ने के लिए आई थी ना, तो इनको लैपटॉप लेकर आना चाहिए था, बस ये भी लेकर नहीं, इनके दिमाग में भी नहीं आया। मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़। चलें अभी हम चले। बस आज देख लें फर्स्ट सीट हानिया को मिल गई है, नहीं तो हानिया और मुस्तफा की हमेशा लड़ाई होती है। इन बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आता है, जब हम बहन भाई जब छोटे थे और हमारी लड़ाई होती थी, तो वो वाले जो पल होते हैं ना, वो सच में वो एक अलग ही होते हैं। तो ऐसा लगता है कि वही इंसान की ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट वही होते हैं, जिसमें प्यार होता है, जिसमें लड़ाई होती है, जिसमें झगड़ा होता है, वही अच्छा होता है सबसे। और फिर थोड़ी देर के बाद उसमें सुलह हो जाती है, और यानी उसमें बच्चों को पता नहीं होता चीज़ों का, उसमें चीज़ें जो हैं वो नहीं होती, सीरियस नहीं होती, थोड़ी देर लड़ते हैं फिर थोड़ी देर के बाद एक जैसे हो जाते हैं। चलिए अभी हम आ गए हैं घर और हानिया का मूड मुझसे ख़राब है बहुत ज़्यादा। आते ही देखिए इसके काम चक्कर है, कहाँ पर आके बैठ गई। ये क्या हो रहा है हानिया, क्यों नाराज़ हो मम्मा से? बताओ तो सही, अब नाराज़ क्यों हो? क्या हुआ मेरे बच्चे को? इधर अच्छा, इधर तो आओ मेरे पास तो आ जाओ। आज क्या है? बर्थडे किसी ने मनाया भी नहीं। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है और किसी ने मनाया ही नहीं है, है ना? किसी ने विश तक नहीं किया मेरे बच्चे को, इसलिए ये रो रही है। ये इसलिए रो रही हो? हाँ,
इतना रोना, ऐसे भी कोई रोता है? अच्छा इधर मम्मा के पास तो आओ, मम्मा के पास तो आओ। इतना दुख कि बर्थडे किसी ने विश नहीं किया, बर्थडे किसी ने मनाया नहीं मेरी बच्ची का, तो इतना उसे दुख हो रहा है, इतना रोना आ रहा है कि आज मेरा बर्थडे है ना, किसी ने मेरे लिए कोई केक बनाया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अच्छा मनाते हैं आपका बर्थडे, मनाते हैं बस। कब मनाएंगे, कब मनाएंगे? चलो मामा एक दो दिन तक सोचती है कि एक दो दिन बाद नहीं मनाना। तो कब मनाना है? आज तो नहीं हो सकता ना अब। हाँ नहीं मनाना, बस क्यों नहीं मनाना पता तो चले। मनाना अपना बर्थडे। क्या आज मनाना है? जिस दिन बर्थडे हो दो दिन मनाते नहीं है, दो दिन बाद मुझे नहीं मनाना। अब क्या कर सकते हैं फिर? आपको पता है ना कि आपके पापा बिजी हैं। वो हस्बैंड है ना वहाँ पर जाके, वो फार्म पे ना वो स्विमिंग पूल है वहाँ पर, तो उन्होंने वीडियो बना के भेजी कि मुस्तफ़ा मैंने आपको कहा था मेरे साथ चलो, तो देखो मैं यहाँ पे नहा रहा हूँ मज़े कर रहा हूँ। तो वो वीडियो देखती गई मुझे कहती है आप कहते हैं बिजी है वहाँ पे फार्म पे, वो तो नहा रहे हैं मज़े कर रहे हैं, तो वही बात बता रही है। अभी मैं बनाने लगी हूँ बसबूसा, और यहाँ पर बसबूसा बनाने की जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मेरे काम आने थे सारी मैंने निकाल के पहले से ही रख दी हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया एक बड़ा बाउल, इसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बसबूसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं दो एग, और यहाँ पर हमारे पास कोकोनट पाउडर, इसके साथ है हमारे पास दही, यहाँ पर है हमारे पास शुगर पाउडर, और यहाँ पर है हमारे पास सूजी, एक कप हमने लिया है ऑयल का, और साथ है यहाँ पर बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से एक एग लेके तोड़ के डाल देते हैं इसमें। एग डालने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है शुगर पाउडर, इसको मैं डाल दूंगी। चलेंगे इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमने इनको करना है अच्छे तरीके से मिक्स। उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास एक कप ऑयल, ये हम डाल देंगे सारा। ऑयल डालने के बाद यहाँ पर है मेरे पास दही, ऑयल और दही डालने के बाद देखें हमारा मिक्सचर कैसे ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो गया ये देखें। लेकिन इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया तब जाके ये ऐसा बना है। और अभी हमारे पास क्या चीज़ें रहेगी, हमारे पास है अभी सूजी, कोकोनट पाउडर और बेकिंग पाउडर। तो अभी मैं डालने लगी हूँ उसमें कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर डालने के बाद अभी मैं डालने लगी हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मैं छोटा सा चम्मच डालने लगी हूँ, ये देखें बस इतना सा डालेंगे। सब कुछ डालने के बाद लास्ट में हमारे पास सूजी। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बसबूसा का बैटर हमारा बनकर अच्छे से तैयार हो गया। इसको हम रखते हैं अभी फ़िलहाल एक साइड पे, और यहाँ पर हमने ले ली एक डिश, इसको थोड़ा सा हम ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हमने इसको ग्रीस कर लिए अच्छे तरीके से, अब ये बैटर डालेंगे इसमें। अभी इसे बेक करने का टाइम आ गया, और हम इसे तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। बसबूसा को हमने रख दिया बेक होने के लिए, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शुगर सिरप, जिसके लिए मैंने तकरीबन 4 कप इस तरह के मैंने पानी लिए, और 1 कप मैंने ले लिए चीनी। बस जैसे ही पानी बॉयल होता है तो हम उसमें ये वह 1 कप चीनी का डाल देंगे और शुगर सिरप बनाएंगे। यहाँ पर हमारा शुगर सिरप तैयार हो रहा है, थोड़ी देर तक ये बन के रेडी हो जाएगा। और अभी बसबूसा को देखने का टाइम आ गया, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और लगेगा तब जाके ये बनेगा, 20-25 मिनट में नहीं बनने वाला। ये देखिए ये नीचे से अब पक गया है, तो ऊपर से ना मैंने आग नहीं जलाई थी, अभी बस ऊपर नीचे वाली आग करते हैं बंद और ऊपर वाली आग जलाते हैं। चलें जी ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बसबूसा बनकर तैयार हो गया, बस यहाँ किनारों से लग रहा है कि थोड़ा सा जल गया इस साइड से, बाकी सारा परफेक्ट आया माशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पर हमारा शुगर सिरप भी बनकर तैयार हो गया, और मैंने यहाँ पर ले ली एक छोटी सी स्टिक, इसकी मदद से हमने इसमें लगाने हैं छोटे छोटे सुराख इस तरह से। वैसे अगर आप नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया बसबूसा, जो कि बहुत मज़े का और लजीज बना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने हानिया के लिए केक रेडी किया है, और एक छोटी सी नाइफ यहाँ पे रखते हैं, और ये रही कैंडल,
हानिया को अभी हमने करना है विश, जो कि इतना रो रही थी, इतना परेशान हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि घर में कुछ बना के फिलहाल उसको हम विश करते हैं और खुश करते हैं। चलो हानिया देखो आपके लिए बस भूसा मैंने रेडी किया है और केक। आप रो रही थी ना? जी हाँ जी। तो फिर मैंने कहा चलो हानिया को अभी हम करते हैं खुश और हानिया को हम करते हैं विश, ठीक है? ओके ओके। अभी आप खुश हो? जी हाँ जी। किसी दरअसल ये दुख लग रहा था कि किसी ने विश नहीं किया, किसी को रियलाइज नहीं हो रहा कि आज हानिया की बर्थडे। अभी देते हैं मेरे बच्चे को, अभी देते हैं, वो ले आओ प्लेट में डाल के ले आओ उसके लिए। तो इस बात से कहती कि पूरा दिन किसी ने नोट ही नहीं किया कि मेरा बर्थडे है, मुझे किसी ने विश नहीं किया, तो आके बस लास्ट में फिर ये रोने लगी। चलो हानिया पहले इसको आपने क्या करना है, वो जाना है कैंडल को, ठीक है? पहले हम खिलाएंगे हानिया को। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर हानिया, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर सिस्टर। इस के माशाल्लाह मेरा बच्चा क्लैपिंग कर रहा है बर्थडे में। हैप्पी बर्थडे आज मुस्तफा, वो ये क्लैप भी कर रही है साथ साथ, देखो। Happy birthday to you, happy birthday to my dear Hania। चलो मला क्लैप करो ना, क्लैप करो मेरा बच्चा। चलो चलो शाबाश शाबाश मेरी जान। चलिए हमारे आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह, और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सबने जरूर करना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी खूबसूरत दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।